एक कप सूजी लेंगे, उससे आधा कप पानी लेंगे और उसको अच्छे से गूंद लेंगे और साइड में रख देंगे ताकि सूजी को फूलने का टाइम मिल जाए। फिर उसके हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, जीरा डालेंगे और फिर कसूरी मेथी और धनिया पत्ती डाल के उसको अच्छे से गूंद लेंगे। और फिर हमारे पास उबले हुए आलू रखे थे दो तीन, तो उसमें से दो आलू लेकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसको स्मैश करके डाल देंगे इसमें। और फिर एक कप या एक कप से ज़्यादा भर के हम गेहूं का आटा लेंगे और इसको अच्छे से नीट कर लेंगे और साथ ही साथ एक चम्मच ऑयल भी डालेंगे जिससे कि नमी बनी रहे। और फिर जो आटा हम लोग गूंद लेंगे फिर उसमें से पेड़े बना के उसको बेलना स्टार्ट कर देंगे और फिर तेल लगा के इसको सेकना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए हमारे थेपले बन गए हैं बहुत अच्छे से, और इससे आप चटनी के साथ, अचार के साथ, जिससे मन उससे खाइए। मैंने मेरे पास लहसुन का अचार रखा हो तो थेपला लहसुन अचार के साथ बहुत अच्छा लगता है, लहसुन की चटनी हो तो और भी मज़ा आ जाता है। तो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब टू माई चैनल, मज़े से खाइए और रेसिपीज़ देखिए। थैंक यू।